सेठ का बाग दादाबाड़ी में जयपुर की प्रमुख समाजसेवी संस्था महावीर विकलांग कल्याण समिति ने 3 दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर लगाया है। इस शिविर में श्री विद्यमान स्वामी मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सेठ का बाग दादाबाड़ी में जयपुर की प्रमुख समाज सेवी संस्था महावीर विकलांग कल्याण समिति ने 3 दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर लगाया। इस शिविर में श्री वर्धमान स्वामी मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का नगरायुक्त अरुण प्रकाश ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा विकलांगों को दी जाने वाली ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर की गुणवत्ता को देखा। इस दौरान नगरायुक्त ने इस नेक काम के लिए आगरा विकास मंच के अध्यक्ष अशोक जैन सीओ को शुभकामनाएं दी। देखिए, भगवान महावीर वर्धमान स्वामी मंदिर जैन दादावाड़ी आगरा के आज इस प्रांगण में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा एक विशाल आयोजन किया गया है, जिसमें कि करीब 1700 रजिस्ट्रेशन आ गया है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इस प्रदर्शनी में हर व्यक्ति की चेकिंग हो रही है, पहले डॉक्टरों द्वारा, और डॉक्टर सब दिल्ली से भी आए हुए हैं, आगरा शहर के सुबुद्ध डॉक्टर हैं, और वो देख रहे हैं कि किसको क्या कमी है, किस तरह से किसका पैर बनना है, किसको ट्राई साइकिल की ज़रूरत है, किसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, किसको आर्टिफिशियल अंगों की ज़रूरत है, किसको कान अगर नहीं सुनाई दे रहा तो कान के ईयर मशीन की ज़रूरत है। तो हर तरह की चीज़ों पर पूरा काम हो रहा है और उनकी आवश्यकता अनुसार उन चीज़ों को बना करके वितरित करने का काम हो रहा है। ये महान पुण्य का काम है और बहुत ही अच्छा कदम ये जो समिति है, ये अच्छा काम कर रही है। शिविर में दादाबाड़ी परिसर में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में महावीर विकलांग समिति द्वारा दिव्यांगों की सहायता के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी पोस्टर के माध्यम से दी गई। शिविर में शामिल आगरा विकास मंच के सहयोगी हेमंत भोजवानी और श्याम भोजवानी ने कहा कि दिव्यांगों की सहायता के लिए उन्होंने पहली बार इतना बड़ा शिविर देखा है। मानव सेवा का एक मिनी कुंभ आज जैन दादाबाड़ी स्थल पर लगा है, जो एक बड़ा तीर्थ स्थल है। जैन दादाबाड़ी में भगवान महावीर सेवा समिति जयपुर के तत्वाधान में श्रीमान अशोक जैन सीए जी के सानिध्य में ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ इससे बड़ा कार्यक्रम हो नहीं सकता है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आए, किसी को कृत्रिम अंग पैर मिल रहा है, किसी को हाथ मिल रहा है, किसी को कान सुनने की मशीन मिल रही है, किसी को जो ट्राई साइकिल मिल, किसी को व्हील चेयर मिल रही है, तो किसी को बैसाखी मिल रही है। ये बड़ा पुनीत और पवित्र काम है। मैं इससे बड़ा अभिभूत हूँ और निश्चित रूप से सभी दिव्यांग भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ। जैन दादाबाड़ी के तत्वाधान में आप देख रहे हैं जिस तरीके से आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी अशोक जैन सीए के नेतृत्व में आज जो यहाँ पे विकलांगों के लिए 1800 तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन जा रही है, मैं समझता हूँ मेरे अपने जीवन में ये पहला कुंभ है जो इतने विकलांग, हम विकलांग कह रहे हैं लेकिन हम तो ये कह रहे हैं मानवता के हिसाब से हमें विकलांग भी नहीं कहना चाहिए। और हमको जब हम जब लोग नीचे देखेंगे तब हम लोगों को एहसास होगा कि हम लोग कितने खुश हैं। तो हमको नीचे वालों की सेवा करनी चाहिए और नीचे जब हम एक आम जन की सेवा करेंगे तो प्रभु परमात्मा की सेवा हमें होगी। नेक बनो और एक बनो। शिविर शुभारंभ कार्यक्रम में आगरा विकास मंच के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा और मंच से जुड़े शहर के चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सकों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।